वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हो आप सभी, आई होप आप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इसी टाइप की सरस्वती पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग सीखनी है तो आप इस छोटी सी वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहना। तो भाई लोग अब एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। तो भाई लोग सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आपको ये वाला बैकग्राउंड एड करना है। कैसे डाउनलोड करना है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो भाई बैकग्राउंड ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड करना है। मैंने अपनी फोटो का बैकग्राउंड ऑलरेडी पहले से रिमूव कर रखा है, आप भी अपनी फोटो का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर लेना और अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना जिस तरीके से एडजस्ट मैं कर रहा हूं। तो मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूं। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके एक पीएनजी ऐड करनी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीएनजी को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जिस तरीके से एडजस्ट मैं कर रहा हूँ। अपनी फोटो का साइज आपको खुद ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करना होगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जैसा कि मैं सारी वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आप एडिटिंग में जल्दबाजी करोगे तो आपकी एडिटिंग कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो फ्री टाइम में एडिटिंग करना अगर आपको एक अच्छी एडिटिंग करनी है तो पीएनजी को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पीएनजी को ऐड करते हैं। नेक्स्ट पीएनजी हमारी कुछ स्टेप की होने वाली है, तो सिंपली इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। फुल स्क्रीन करने के बाद इसे ऊपर की साइड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे एंड इसको भी अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे। तो दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पीएनजी को ऐड करते हैं। नेक्स्ट पीएनजी हमारी स्मोकी पीएनजी होने वाली है, तो इसे फुल स्क्रीन करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। सिंपली इसे फुल स्क्रीन कर लेना, ये ऑटोमेटिकली अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी एंड इसे भी अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट की पीएनजी ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इसे नीचे की साइड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो भाई एक बात और बता दूं आपको, जितना मेन इसमें पीएनजी ऐड करना है उतना मेन इसमें लाइट और कलर एडजस्ट करना है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे, जो कि हमारी फोटो की लास्ट पीएनजी होने वाली है। तो ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पीएनजी को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट पीएनजी हमारी कुछ इस टाइप की होने वाली है, फोटो को जूम करके इस पीएनजी को आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है जिस तरीके से एडजस्ट मैं कर रहा हूं। आप अपनी फोटो को जूम कर लेना इसे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए और इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लेना एंड हम इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और दूसरी फोटो में भी इसे एडजस्ट कर देंगे। मैं एक बार और बता दूं आपको, बैकग्राउंड पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और भाई इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं ओनली 20 लाइक का, तो प्लीज उसे तो कंप्लीट करा देना। और डेली क्रिएटिव एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं। इस पीएनजी को अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको ऊपर की साइड डन बटन पर क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड आपकी लोडिंग हो सकती है। तो लोडिंग होने के बाद अब हम फोटो को सेव करेंगे। लाइट और कलर एडजस्ट हम नेक्स्ट एप्लीकेशन से करेंगे, जिसका नाम है लाइटरूम। तो पहले फोटो सेव कर लेते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो को कर लेते हैं सेव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, जिसका नाम है लाइटरूम। लाइटरूम में अपनी फोटो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम फोटो की लाइट एडजस्ट करेंगे। तो लाइट वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को सबसे पहले बढ़ाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद आपको हाईलाइट थोड़ी सी माइनस करनी है, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज ही करेंगे कुछ इतनी परसेंट, वाइट्स को 100 माइनस करेंगे और ब्लैक्स को हल्का सा इंक्रीज करेंगे कुछ इतनी परसेंट। इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे। अब हम कलर एडजस्ट करेंगे, तो कलर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। रेड कलर की आपको ओनली सेचुरेशन इंक्रीज करनी है अपनी फोटो के हिसाब से और लैमिनेंस उसकी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। ऑरेंज कलर हमारी स्क्रीन का कलर होता है, तो उसे भी आप अपनी फोटो के हिसाब से ही एडजस्ट करना एंड ऑरेंज कलर की हम सैचुरेशन माइनस कर देंगे, लैमिनेंस इंक्रीज कर देंगे। ऑरेंज कलर को छोड़ के आप सारे कलर मेरी तरह रख सकते हो। तो ध्यान से देखो मैं कौन सा कलर एडजस्ट कर रहा हूँ किस तरीके से। इस फोटो में वैसे ज़्यादा कलर नहीं है, तो सिंपली हम इसमें रिटचिंग कर देंगे, तो नॉर्मली रखेंगे इसमें रिटचिंग। तो अब हम फोटो का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, तो इसका टेम्परेचर नॉर्मली रहने देंगे, बस टिंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसे करने के बाद आपको नेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, विंटेज को प्लस करेंगे कुछ इतनी परसेंट और डीएज को थोड़ा सा प्लस ही करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, सबसे पहले शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज, डिटेल को भी थोड़ा सा इंक्रीज, मास्किंग को आप अपनी फोटो के हिसाब से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना जिस तरीके से एडजस्ट मैं कर रहा हूँ। तो मास्किंग को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको नॉइस भी थोड़ी सी बढ़ानी है, उसके बाद कलर नॉइस को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई कैसी लगी ये फोटो एडिटिंग आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और भाई डेली क्रिएटिव एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली क्रिएटिव एडिटिंग वीडियोस अपलोड करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई क्रिएटिव एडिटिंग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।